सो गाइस, अगर आपने भी ब्लॉगर पर अपनी वेबसाइट बना ली है तो यार आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ब्लॉगर की एडवांस एसईओ सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाईटी किंग पंकज में। तो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि आप लोग ब्लॉगर पर अपनी साइट कैसे बनाएंगे, उसमें आपको थीम कैसे करके लगानी है, उसको कस्टमाइज कैसे करना है। तो सब कुछ ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, जाकर के देख लीजिए, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। तो यहां पर आप सभी देखो कि मैंने यहां पर अपनी जो एक वेबसाइट है वो यहां पर ओपन करके रखी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको भी अपनी साइट को ओपन कर लेना है। यहां पर आप लोगों के लिए सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। सेटिंग पर क्लिक कर लेने के बाद यहां पर आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस होगा ये आ जाएगा। ये ब्लॉगर का नया इंटरफेस है और इस पर मैंने बहुत समय पहले, मतलब जब पुराना इंटरफेस था तभी मैंने वीडियो बनाई थी, एंड नया इंटरफेस जब से आया है तब से मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई है। तो आज की वीडियो पूरा देख लेना, सब कुछ आप लोग यहां पर सीख जाओगे। तो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बेसिक का, यहां पर आप लोगों के लिए पहला जो ऑप्शन देखेगा वो देखेगा टाइटल का। आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आप लोगों के लिए अपने ब्लॉग का टाइटल देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने दे रखा है क्रैक हाउ सजेस्ट फॉर यू, आपकी जो भी नीश है आप लोग उसी से रिलेटेड यहां पर टाइटल दीजिएगा, और उसके बाद यहां पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। आप लोग बाद में चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में ही है। और 100 वर्ड्स का आप लोग यहां पर टाइटल दे सकते हैं, ठीक है, और सेव पर क्लिक कर देना, आपका टाइटल यहां पर सेव हो जाएगा। उसके बाद यहां पर अगला जो ऑप्शन है वो डिस्क्रिप्शन का, आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको अपने ब्लॉग के बारे में बताना है कि आप लोग अपनी वेबसाइट में या अपने ब्लॉग में क्या चीजें बताने वाले हो। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि मेरे ब्लॉग पर आपको बहुत सारे इंटरनेट, हाउ टू, एंड्रॉइड से जुड़ी जानकारी मिल जाएंगी, जो आपको अच्छा नॉलेज देने में मदद करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से या कुछ डिफरेंट लिख सकते हैं। बस आपको इतना लिखना है कि आप लोग अपने ब्लॉग में क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, और आप लोग 500 वर्ड का यहां पर लिख सकते हैं, मैंने 124 वर्ड का लिखा है, तो आप लोग चाहे ज्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। देन सेव पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर अगला जो ऑप्शन है वो है ब्लॉग लैंग्वेज का, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहां पर अपनी जो वेबसाइट है उसमें आप लोग किस टॉपिक पर, सॉरी किस लैंग्वेज में आर्टिकल लिखना चाह रहे हो वो आप लोग को यहां पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप लोग अगर हिंदी में लिखना भी चाह रहे हो, इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो, तो ऐसे बिल्कुल मत करना, एक ही लैंग्वेज में आर्टिकल लिखिएगा, ठीक है ना। और मैंने यहां पर हिंदी में सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं यहां पर हिंदी को चूज कर लूंगा, ठीक है ना। अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख लीजिए, अगर आप लोग जापानी, चाइनीज या उर्दू, बंगला में लिखना चाहते हो आप लोग वो यहां चूज कर सकते हैं। देन सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर अगला जो ऑप्शन है वो है एडल्ट कंटेंट का, मतलब कि अगर आप लोग अपनी वेबसाइट में एडल्ट कंटेंट डाल रहे हैं तो आपको यहां पर इसको इनेबल करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसको ऑफ ही रहने दो। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी। अब इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बना करके बताने वाला हूं। अगर आपका पहले से गूगल एनालिटिक्स में अकाउंट बना हुआ है और आप लोगों ने अपनी साइट को मतलब उसमें ऐड कर रखा है, तो आप लोग सिंपली करेंगे क्या, गूगल एनालिटिक्स में आप लोग चले जाइए, ठीक है। और यहां पर आप सभी लोगों के लिए ट्रैकिंग इन्फो पर क्लिक करना है, ट्रैकिंग कोड पर आपको क्लिक करना है, और यहां पर ये देखो ये आपको एक कोड मिलेगा, ठीक है। इसको आप लोग यहां तक कॉपी कर लोगे, ठीक है, इतना आप लोगों को यहां पर कॉपी कर लेना है, और इतना कॉपी कर लेने के बाद आप लोग यहां पर आएंगे और यहां पर ला करके उसको पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं अगली से अगली वीडियो में, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वेट करो। अगला जो ऑप्शन है वो फेव आइकन का, तो यहां पर आपको क्लिक करना है और आपको अपनी वेबसाइट के लिए फेव आइकन यहां पर ऐड करना है। जैसे कि देखो यहां पर आपको ये जो दिख रहे हैं, ये लोगो दिख रहे हैं, इन्हें हम फेव आइकन बोलते हैं। तो आपको फेव आइकन कहां से मिलेगा वो आप लोग यहां पर देखो, आपको जाना है favicon.io इस वाली साइट में, यहां पर आपको जनरेटर पर क्लिक करना है और यहां पर आप लोग का जो वेबसाइट है उसका जो भी नाम है वो आप लोग यहां पर लिख लोगे। जैसे कि मेरे का नाम है क्रैक हाउ, तो मैंने यहां पर लिख दिया CH। उसके आप लोग इसको जो है वो क्या रखना चाहते हो, सर्कल, तो मैं सर्कल पर क्लिक करूंगा। देन आप लोगों को यहां पर चूज करना है कोई लैंग्वेज, तो मैं लैंग्वेज देख लेता हूं, और यहां पर आप लोग इसका साइज है वो मेंटेन कर सकते हैं। मैंने 90 रख लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर कितना कर लिया 90, और इसको हम जो है दूसरी लैंग्वेज ले लेते हैं, ये वाली, इसको 90 को ज़्यादा ही हो गया, मैं ये रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो मतलब कलर वगैरह है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। देन आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है और ये आपका यहाँ पर जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको ओपन करना है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करो और इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट कर लेने का दिया आपका इस तरीके से आ जाएगा, और इसके अंदर आपको काफी सारे जो है वो फेव आइकन देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप लोग अपने ब्लॉग में यूज कर सकते हो। कैसे करना है वो आप लोग यहाँ पर देखो, इस पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है,
यहाँ पर आप लोग उस पर क्लिक करना है और आप लोग यहाँ पर 32x32 वाला सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करके यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो फेव आइकन होगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर अभी ये वाला फेव आइकन आ रहा था, अब यहाँ पर थोड़ी बहुत देर में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम यहाँ पर हो चुका है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है प्राइवेसी का। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं क्या आप अपने ब्लॉग को गूगल में शो कराना चाहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर हम शो कराना चाहते हैं सर्च इंजन में, इसलिए हमने इसको इनेबल कर रखा है। अगर आपका कोई डेमो ब्लॉग है और आप लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको मतलब बना रहे हैं तो आप लोग उसको ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उसको ऑन करके रखना है, क्योंकि अगर आप लोग उसको ऑन नहीं करोगे तो आपका जो ब्लॉग होगा वो गूगल सर्च कंसोल मतलब गूगल में शो नहीं होगा। अगला जो ऑप्शन है वो है पब्लिशिंग का, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो पहला जो ऑप्शन दिख रहा होगा वो दिख रहा है ब्लॉग एड्रेस का, अगर आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जब आप लोगों ने अपनी साइट बनाई होगी तो आप लोगों ने जो ब्लॉग का एड्रेस दिया होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, सेव कर देना। अगला जो ऑप्शन है वो कस्टम डोमेन का, तो यहाँ पर मैंने अपना जो कस्टम डोमेन है वो ऐड कर रखा है, आपके में शायद नहीं होगा अगर आपका नया अकाउंट है तो। ये कैसे ऐड करना है वो मैं आप लोगों के लिए आगे वाली जो आने वाली वीडियो है उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, सब कुछ एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप लोगों को ब्लॉगर के बारे में एक एक चीज पता चल जाए। ठीक है, बस आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा ऐसे ही। ठीक है ना, तो इसको फिलहाल अभी हम क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है फॉल बैक सबडोमेन, अगर आपको कोई सबडोमेन आपने बना करके रखा हुआ है तो आप लोग उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है वो है रिडायरेक्ट का, तो देखो अगर आप लोग इसको इनेबल करके रखोगे तो इसका फायदा ये मिलेगा कि अगर कोई भी crackhow.in सर्च करेगा तो भी आपकी साइट ओपन होगी, अगर कोई ये ओपन करेगा www.crackhow.in तब भी आपकी साइट यहां पर ओपन होगी। ठीक है ना, तो आप लोग इसको इनेबल करके रखिएगा तो ही आपको यहां पर बेनिफिट होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनेबल करना ही करना है। अगला जो ऑप्शन है वो है HTTPS का, तो यहां पर देखो जब आप लोग अपनी वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहां पर HTTPS का एक ऑप्शन आता है, जिसकी मैं अगर इसको यहां पर गूगल में जाकर के आपको दिखाऊं। ठीक है, तो आप लोग यहां पर देखना, एक सेकंड यार टाइपिंग थोड़ी हल्की हो चुकी है पहले से, google.com। ठीक है, ये मैं यहां पर ओपन करता हूं और यहां पर मैं इस तरीके से URL को पेस्ट करूंगा। तो देखो यहां पर जो मेरी वेबसाइट है उसमें HTTPS लगा हुआ है, मतलब कि मेरी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, और जिसमें S वगैरह नहीं लगा होता, खाली HTTP होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो खतरे में है। तो प्लीज इसको क्या करिएगा, आप लोग इसको इनेबल कर लीजिएगा दोनों तरफ से, तभी यहां पर आपकी जो वेबसाइट है उसमें S लगा हुआ देखेगा, और S का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है ना, तो आप लोग इसको इनेबल करके रख लीजिएगा, ये आपकी साइट का SSL सर्टिफिकेट होता है। ठीक है ना, अगला जो ऑप्शन है वो है परमिशन का, तो यहाँ पर देखो अभी आप खुद ही अपने ब्लॉग के ऑथर हो और एडमिन हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके ब्लॉग को कोई और हैंडल करे, कोई और भी उस पर काम करे, तो आप लोग क्या करोगे, इन्वाइट मोर ऑथर पर क्लिक करोगे और उसकी ईमेल को यहाँ पर डालोगे और सेंड पर क्लिक करोगे, तो उस बंदे के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, तो जब वो उस पर क्लिक करेगा तो वो उसको क्या करेगा, अप्रूव कर लेगा, और जब वो बंदा अप्रूव कर लेगा तो उसकी जो ईमेल होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे को भी अपनी जो ब्लॉग है उसका एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला ऑप्शन है रीडर एक्सेस, तो वो बंदा आप लोग उस बंदे को मतलब प्राइवेट करना चाहते हैं कि वो आपकी कुछ भी चीज़ ना देख सके, खाली ब्लॉग को देख सके, अंदर की कुछ चीज़ ना देख सके, तो आप लोग प्राइवेट टू ऑथर पर क्लिक कर सकते हो। कस्टम पर क्लिक करोगे तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो शो कराना चाहते हो वो शो करा सकते हो, फिलहाल इसको पब्लिक पर रहने दो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पोस्ट का ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है ये कि मैक्सिमम पोस्ट शो इन मेन पेज, मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है तो आप लोग अपनी वेबसाइट में होम पेज पर कितनी पोस्ट शो कराना चाहते हो। यहाँ पर 7 सेलेक्ट है तो मेरे होम पेज पर यहाँ पर 7 ही पोस्ट शो होंगी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मेन पेज पर 8 या 10 पोस्ट शो हो तो आप लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को डालना है 8 या जो भी आप लोग जितनी शो कराना चाहते हैं आपको सेव पर क्लिक कर देना। ठीक है ना, तो ये आपके यहाँ पर सेव हो जाएगा। अगला ऑप्शन है पोस्ट टेम्पलेट का, तो ये ऑप्शनल है, इसको आप लोग ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पर देखो ऑप्शन दिखेगा आपको इमेज लाइट बॉक्स का, इसको आपको इनेबल करके रखना है। अब इसका फायदा क्या होगा वो आप लोग यहाँ पर देख लो, जैसे कि मान लो कि मैंने कोई एक पोस्ट ओपन करी, ओपन कर लेने के बाद अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से यहाँ पर ओपन होगी। ठीक है ना, अब जैसे कि मान लो कि अगर मैं इस लाइट बॉक्स को इनेबल कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखना अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूं, अब अगर मैं इस पोस्ट पर क्लिक करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से हमारी यहां पर ओपन होगी। ठीक है ना, तो यही तरीका होता है लाइट बॉक्स का और ऑन करने का और ऑफ करने का, तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूं। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है वो है आइडियाज पैनल का। अब इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप लोग कोई पोस्ट वगैरह लिखोगे, पोस्ट लिखने के बाद यहां पर साइड में आप लोगों के लिए कुछ आइडिया मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ब्लॉगर में एक नया फीचर ये आया था कि जैसे कि
आप लोग अगर कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हो तो यहाँ पर साइड में आपको वो कुछ मतलब अपनी तरफ से सजेशन देता है कि आपको इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि एक मिनट को आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा एक ब्लॉग है, और यहाँ पर देखो ये जो आइडिया का ऑप्शन आप सभी को दिख रहा है, ये तभी आपको यहाँ पर शो होगा जब आप लोग अपने इस वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे। यहाँ पर ब्लॉगर आपको खुद बताता है कि आपको इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखने चाहिए, और ये सारे के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक वाले आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जाकर के इसको देख लेना, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपने मेन अकाउंट पर। तो आपको क्या करना है, आपको इसको इनेबल करके रखना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो कमेंट का, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है कमेंट लोकेशन का। अगर आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है कमेंट एम्बेडेड का। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी आर्टिकल में कोई कमेंट करेगा तो वो कुछ इस तरीके का कमेंट बॉक्स दिखेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि फुल पेज में आपकी कमेंट बॉक्स आए तो आप लोग उस पर क्या करेंगे, फुल पेज पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, देन आप लोग जैसे इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब जो कमेंट वाला सेक्शन होगा वह पूरे पेज पर आएगा। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ टिप्पणी पोस्ट करें तो ये पूरे पेज पर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला ऑप्शन है यहाँ पर पॉपअप विंडो का। अगर आप इस पर क्लिक करके सेव करते हो, अब जब भी कोई कमेंट करेगा तो पॉपअप विंडो ओपन ऊपर क्या आएगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख लो, मैं चलता हूँ नीचे थोड़ा, और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो पॉपअप विंडो होगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर कमेंट कर सकता है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है हाइड का। तो आप लोग चाहें तो अपनी कमेंट को हाइड भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, पॉपअप पे ही रहने देता हूँ, सेव पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अगला जो ऑप्शन है वो है हु कैन कमेंट, मतलब कि आपके जो पोस्ट है उस पर कौन कमेंट कर सकता है। तो सभी लोग कर सकते हैं, या फिर वो लोग जिनके पास गूगल का अकाउंट है, या फिर वो लोग जो इस ब्लॉग के मेंबर हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा वो लोग जिनके पास गूगल अकाउंट है, ठीक है, और सेव पर मैं क्लिक कर दूंगा। अगला ऑप्शन है कमेंट मॉडरेशन का। तो आप लोग मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बंदा कमेंट करेगा तो वो जो कमेंट होंगी वो आपके कमेंट सेक्शन में आ जाएंगी, एंड जब आप लोग उसको अप्रूव करोगे तब कहीं जाकर के वो कमेंट आपकी पब्लिश होंगी। अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो आप लोग ऑलवेज पर क्लिक करोगे। अगर आप लोग चाहते हो कि कभी कभी आपके पोस्ट ड्राफ्ट में सेव हो और कभी कभी ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए तो आप लोग समटाइम्स पर क्लिक करोगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि कोई भी मेरे पास कमेंट मेरे ड्राफ्ट में सेव ना हो, ऑटोमेटिकली जो पोस्ट करे वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए, तो आप लोग क्या करोगे, नेवर पर क्लिक कर दोगे, ठीक है ना। तो ये आपके हाथ में आप लोग कर सकते हो। फिलहाल ये बेस्ट रहेगा कि आप लोग ऑलवेज पर क्लिक करो, ताकि जब भी कोई कमेंट करे तो आप लोग खुद से मैनुअली उसको देखो कि सही कमेंट करा है उस बंदे ने कि नहीं, देन तभी आप लोग उसको अप्रूव करो, ठीक है ना। यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। अगला यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखेगा वो दिखेगा ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट टू। अगर आप लोग उस पर क्लिक करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने किस ईमेल पर मतलब किस ईमेल पर कमेंट चाहते हो, तो आप लोग उस ईमेल को यहाँ पर डालोगे और सेव पर क्लिक कर दोगे, ठीक है ना। अगला ऑप्शन है यहाँ पर रीडर कमेंट कैप्चा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा कमेंट करता है तो उसके सामने मतलब कैप्चा आए या ना आए, जैसे कि यहाँ पर उसने कमेंट करा और नीचे देखो कैप्चा का ऑप्शन आ रहा है, तो जब वो उस कैप्चा को फिल करेगा तब कहीं जाकर के उसकी जो पोस्ट कमेंट होगी वो पब्लिश होगी। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं, वरना इसको आप लोग ऑफ भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगला जो ऑप्शन है वो है ये कमेंट फ्रॉम मैसेज। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई बंदा अगर कमेंट कर रहा है एंड आप लोग उसको कोई मैसेज दे सकते हैं कि भाई इसमें कोई गाली वाली मत देना या कोई हेट कमेंट मत करना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर वो मैसेज को टाइप करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे, तो जब वो बंदा कमेंट करेगा तो उसके सामने जो है उसके सामने कमेंट करने से पहले एक मैसेज होगा नीचे, ठीक है, नीचे एक मैसेज आएगा कि भाई ऐसी गंदी संदी कमेंट मत करना। जैसे कि आप लोग देख ही लो, डू गलत मैसेज मत करना, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, सेव पर मैंने क्लिक कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखना, मैं नीचे चलता हूँ, कोई पोस्ट को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब आप लोग यहाँ पर देख लेना, अब जैसे मैंने इस पर कमेंट पर क्लिक करा तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ आएगा गलत मैसेज मत करना। एक सेकंड कहाँ पर, हाँ ये देखो गलत मैसेज मत करना, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आप लोग इसको मतलब कर सकते हो, ठीक है। उसका देखो यहाँ पर अगला ऑप्शन है वो है ईमेल का, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पोस्ट यूजिंग ईमेल। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग अभी खुद इसके ऑनर हो और आप लोग चाहते हैं कि अगर कोई और दूसरा इसका ऑनर बने और उसके पास भी जो है वो सारे नोटिफिकेशन जाएं, तो आप लोग इसको जो है अपने अकॉर्डिंग उसको सेव कर सकते हो। फिलहाल इसको डिसेबल रहने तो सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल। अगर यहाँ पर आप लोग चाहते हो कि कोई बंदा अगर आपकी पोस्ट पर कमेंट करे तो सबसे पहले आपके पास उसको नोटिफिकेशन आए, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर उसको ईमेल डालोगे। आप लोग यहाँ पर आप लोग को वो वाली ईमेल डालनी जिस पर आप लोग नोटिफिकेशन चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ईमेल डाल दो, सेंड पर क्लिक कर दो, तो आपके पास क्या होगा, जैसे कोई बंदा कमेंट करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको वो ईमेल डालनी जिस पर आप लोग जो है वो नोटिफिकेशन चाहते हो,
ठीक है। ऐसे अगर आप लोग कोई पोस्ट लिख रहे हो और आप लोग चाहते हो कि उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आए, तो आप लोग यहाँ पर उसकी ईमेल डाल सकते हो और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। या आप लोग किसी दूसरे बंदे की दे सकते हो, अपने जो ये आपने किसी दूसरे को एडमिन बनाया है, तो आप लोग उसकी ईमेल भी यहाँ पर डाल सकते हो, उसके पास भी नोटिफिकेशन जाएगा और आपके पास भी जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसको जो है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेटिंग का। यहाँ पर आप लोगों को टाइम जोन सेलेक्ट करना है। आप लोग इंडिया से हैं तो आपको यहाँ पर कोलकाता का जो टाइम जोन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर देखो कोलकाता का हम टाइम जोन देख लेते हैं। तो कहाँ गया कोलकाता हमारा, मिल जा भैया, मिल जा मिल जा। तो यहीं कहीं होगा कोलकाता टाइम जोन, तो यहीं कहीं पर होगा, ठीक है। आप लोग देख लेना यार, टाइम लगता है देखने में। अगला ऑप्शन है हेडर डेट हेडर फॉर्मेट, मतलब कि आप लोग किस तरीके के जो डेट है वो यहाँ पर शो कराना चाहते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर रखा है, आप भी इस पर क्लिक कर लेना, ये सही रहता है। अगला ऑप्शन है कमेंट टाइम स्टैप स्टैम्प फॉर्मेट, तो आप लोग इसको चूज कर लेना। या आप लोग किस तरीके का टाइम जोन शो करना चाहते हैं, फॉर्मेट किस तरीके का शो करना चाहते हैं, वो आप लोग यहाँ पर चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके यहाँ पर नीचे चलते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मेटा टैक्स का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है। अब ये इसका मतलब है क्या, वो चीज आप लोग यहाँ पर समझो। जैसे कि देखो ये मेरी पोस्ट है, ठीक है, और ये मैंने पोस्ट यहाँ पर ओपन करी। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए जो सर्च डिस्क्रिप्शन का बॉक्स दिख रहा है, ये आपका तभी यहाँ पर ओपन होगा जब आप लोग इसको ऑन करोगे, ठीक है। जब तक आप लोग इसको ऑन नहीं करोगे तब तक ये जो आपका सर्च डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन होगा ये ऑन नहीं होगा। तो इसको आपको ऑन करना है और यहाँ पर आप लोगों के लिए अपने कीवर्ड्स डालने हैं, जिस कीवर्ड पर आप लोग अपने आर्टिकल को अपने ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हो। यहाँ पर आप लोग 150 कीवर्ड्स डाल सकते हो जो कि बहुत सही है। यहाँ पर मैंने डाल कर रखा हुआ है एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरनेट ब्लॉगिंग, एसईओ, हाउ टू, न्यूज अपडेट वगैरह वगैरह। देन सेव पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो ये आपको करना बहुत ही जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हर कोई कर लेना है इसको। अगला ऑप्शन है एरर एंड रिडायरेक्ट्स। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा कस्टम 404 का। अब इसका क्या मतलब है वो आप लोग समझ लो। जैसे कि मान लो कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में कोई पोस्ट लिखी, अब वो पोस्ट किसी कारणवश डिलीट हो गई या फिर उस पोस्ट में कुछ गड़बड़ वगैरह हो गई, तो आप लोग क्या कर सकते हो उस पोस्ट की जगह। अब जैसे कि पोस्ट वो डिलीट हो गई, अब जब भी कोई बंदा उस पोस्ट पर आएगा तो उसके सामने वो पोस्ट तो आएगी नहीं, कस्टम 404 का एरर आएगा। तो आप लोग ऐसे में क्या कर सकते हो, उस पोस्ट की जगह पर आप लोग किसी दूसरी पोस्ट पर उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे वो आप लोग यहाँ पर देख लो। आपको कस्टम रीडायरेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है और आपको अपने यहाँ पर उस पोस्ट का यूआरएल कॉपी करना है जो पोस्ट आपकी डिलीट हो चुकी है। जैसे कि मान लो कि ये मेरी पोस्ट थी, ये डिलीट हो चुकी है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है स्लैश, इसके आगे आपको इसका टाइटल जो है वो कॉपी करना है। यहाँ पर ला करके आप लोग क्या करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे और आप लोग किस मतलब इसकी जगह आप लोग किस पोस्ट पर उसको भेजना चाहते हो वो आप लोग यहाँ पर उसका यूआरएल नीचे डालोगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली मैं इस वाली पोस्ट पर इसको भेजना चाहता हूँ, इस वाली पोस्ट पर, ठीक है। तो मैं इसका जो यूआरएल होगा वो इतना यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ ला करके पेस्ट करूंगा। और यहाँ पर आप लोग उसको परमानेंटली चाहते हो या आप लोग टेम्पररी चाहते हो, अगर परमानेंटली चाहते हो आप लोग उस पर क्लिक करके परमानेंटली पर क्लिक कर देना, और आप लोग चाहते हो कि ऐसा टेम्पररी हो, कभी कभी हो, तो आप लोग उसको ऑन करके रख सकते हो, ठीक है, और ओके पर क्लिक कर देना। तो जब भी आप लोग की कोई पोस्ट पर क्लिक करेगा तो वो आपके उसी वाली पोस्ट पर जाएगा जो आपने यहाँ पर ऐड कर रखी होगी, ठीक है ना। तो ये आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अगला ऑप्शन है क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग का। अब ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत कर देना। अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको इनेबल कस्टम रोबोट डॉट टीएक्सटी, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको क्या करना है, इनेबल करना है। देन अगला ऑप्शन है कस्टम रोबोट टीएक्सटी, ये आपके में ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, तो आपको इसको जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट कैसे करोगे वो आप लोग यहाँ पर देख लो। आपको गूगल पर जाना है, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कस्टम रोबोट डॉट टीएक्सटी जनरेटर फॉर ब्लॉगर, तो आपके सामने पहली वाली साइट आ जाएगी। आपको सिंपली इसको ओपन करना है, ओपन कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आप लोगों के लिए अपना जो ब्लॉग होगा, आपकी जो वेबसाइट होगी, उसका जो यूआरएल होगा वो आप लोगों को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ ला करके आप लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। जेनरेट साइट मैप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो साइट मैप होगा वो जेनरेट हो जाएगा। इसको आप लोग को क्या करना है, पूरा कॉपी करना है। कॉपी कर लेने का आपको यहाँ पर ला करके उसको पेस्ट कर देना है। एंड जितने भी मैं आपको लिंक्स बता रहा हूँ, सारी के सारी जो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। देन पेस्ट कर लेने का आपको सेव पर क्लिक कर देना, तो ये आपका यहाँ पर साइट मैप जो होगा, सॉरी रोबोट डॉट टीएक्सटी जो होगा वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैक्स, इसको आपको इनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए होम
पेज टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑल पर क्लिक करना है, नो डीपी पर क्लिक करना है और सेव पर आपको क्लिक कर देना है। अगला यहाँ पर ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा एची एंड सर्च पेज टेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको नो इंडेक्स पर क्लिक करना है, नो डीपी पर क्लिक करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। अगला ऑप्शन है पोस्ट एंड पेज टेक्स्ट, इस पर क्लिक करोगे, ऑल पर क्लिक करो, नो डीपी पर क्लिक करो और सेव पर क्लिक कर दो। ये आपकी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी, इसको आपको हर किसी को करना है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल, तो आप लोग अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे करके ऐड कराओगे ये मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले पार्ट्स में, ठीक है ना, तो आप लोग इसको अभी छोड़ दो। अगला ऑप्शन है यहाँ पर मोनेटाइजेशन का, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इनेबल कस्टम एड्स डॉट टीएक्सटी, तो आपको इसको इनेबल तब करना है जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा और यहाँ पर आपके मतलब ये आप लोग देख लो, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कि आखिर ये होता क्या है ताकि नए बंदों को सब कुछ पता चल जाए। तो अभी मैं चलता हूँ गूगल पर, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इमेजेस को इन एडसेंस, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, इमेज पर क्लिक करा, तो यहाँ पर मैं एक सेकेंड, ठीक है देखो, तो ये देखो अगर आपके पास एडसेंस का अकाउंट है और आपके एडसेंस के अकाउंट में कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है, एक सेकेंड रुको, ये कस्टम डॉट टीएक्सटी ये इमेज ठीक से दिख नहीं रही है, ठीक है, इसमें कोई सही से देख लेते हैं। तो अगर आपके ब्लॉग वेबसाइट में कस्टम डॉट टी एक्स टी का एरर आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों के लिए एडसेंस में एक कोड मिलता है, आपको उस कोड को ला करके यहाँ पर पेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है। तो जब आप लोगों को एडसेंस का अप्रूव मिल जाएगा तब आपको ये कोड मिलेगा, देन आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। जब तक नहीं मिल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अगला ऑप्शन है मैनेज ब्लॉग का, अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर इम्पोर्ट कंटेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा और दूसरा है बैकअप कंटेंट का। तो जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास किसी दूसरी वेबसाइट का बैकअप है एंड आप लोग चाहते हो कि इस साइड में इम्पोर्टेड वो हो जाए, तो आप लोग इम्पोर्ट कंटेंट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कैप्चर फिल करना है और आपको उस दूसरे डाटा को यहाँ पर इम्पोर्ट पर क्लिक करके इम्पोर्ट कर लेना होगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस साइड का मैं बैकअप ले लूं तो आप लोग बैकअप कंटेंट पे क्लिक करो और यहां पर आप लोग डाउन पे क्लिक करके बैकअप ले सकते हो, यहां पर आप लोग ब्लॉक रिमूव भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद पर अगला ऑप्शन है साइट फीड का, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनने वाली है, तो थोड़ा सा वेट करो यार, इस पर वीडियो आने वाली है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, आपकी प्रोफाइल वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, बस इतना था। तो गाइस देखो सब कुछ सेटिंग मैंने आप सभी को बता दी है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, ठीक है, सबको समझ जाओगे। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, तुरंत तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट कर जरूर दूंगा, ठीक है। बाकी एक काम कर लेना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है तो एक बार टेलीग्राम पर जाकर के जरूर पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप है इसमें जाकर के जरूर पूछ लेना, यहाँ पर सभी एक से एक बंदा बहुत बढ़िया है और सभी लोग आपकी हेल्प कर देंगे, तो एक बार जाकर के पूछना जरूर, ठीक है, कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो। बाकी ज्वाइन कर लेना, बाकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आज की इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि काफी मेहनत लग चुकी है आज की इस वीडियो में, लंबी भी काफी हो चुकी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, एम रखते हैं 200 लाइक्स का, आई होप आप लोग पूरा करा दोगे, तो थैंक यू सो मच, बाय।